दोस्तों आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सेक्शन कर रहे हैं हम हिडन एंड विजिबल सरफेसेस, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो एल्गोरिथम है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया पेपरों में, जिसकी वेटेज अराउंड 10 से 15 या 20 नंबर तक चली जाती है कई बार, तो एल्गोरिथम का नाम है हमारे पास जेड बफर एल्गोरिथम या डेप्थ बफर एल्गोरिथम। इसकी शुरुआत होती है, देखो पीछे जो हमने एल्गोरिथम किया था बैक फेस एलिमिनेशन एल्गोरिथम, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बुकों में नहीं है या आपको कंफ्यूज कर लेंगे। बैक फेस एलिमिनेशन मेथड था मेरे पास, जिसके अंदर क्या ड्रॉबैक थे अगर आपको ध्यान, जिसने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो, इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी, एग्जांपल ले लेता हूं कि वो मेरे ऐसे हिडन सरफेसेस, एक तो वो पार्शली हिडन सरफेसेस को नहीं बता पाता था, दूसरा वो ऐसे ऑब्जेक्ट पे ऐसी इमेजेस पे काम नहीं करता था जहां पे ओवरलैपिंग चल रही हो, जहां पे कोई चीज किसी के पीछे आ रही हो। बेसिकली वो सिर्फ क्या करता था कि एक ऑब्जेक्ट सिंगल ये ऑब्जेक्ट है तो वो इसी का बैक फेस बता पाता था, वो ये नहीं बता पाता था कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे अगर ये है तो यहाँ पे बैक फेस क्या आएगा, ये और ये सारा ये, तो वो इन चीजों को नहीं बता पाता था। मतलब बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी को ओवरलैप कर रहा होगा तो वो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता था, वहां पे ये हमारा जो एल्गोरिथम था फेल हो गया था। तो इस चीज को किसने कवर किया, हमारे जेड बफर एल्गोरिथम ने, ठीक है जी। अब इसने ऐसे कैसे, भाई क्या अप्रोच थी, देखते हैं कि किस तरीके से इसने हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इस तरीके से हमारे जो ओवरलैपिंग सरफेसेस थे उसके लिए एल्गोरिथम बनाया। तो ये यूज करता है एक इमेज स्पेस मेथड को, जो हमने दो समझे थे, ऑब्जेक्ट स्पेस और इमेज स्पेस, उसमें से ये इमेज स्पेस मेथड को यूज करता है ताकि वो क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके जो भी हमारे हिडन सरफेसेस आ रहे हैं या किसी को ओवरलैप कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये मतलब बेसिकली करता कैसे इस चीज को, ये क्या करेगा, जो सरफेसेस होंगे, जो भी कोई किसी को हाइड कर रहा होगा, जैसे पहले ये है फिर ये है फिर इसके पीछे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, सरफेसेस होंगे, तो उन सरफेसेस को क्या करेगा, आपस में डेप्थ बेस पे कंपेयर करेगा और चेक करेगा कि ईच पिक्सल पोजीशन पे हमारे पास उनकी क्या इंटेंसिटी आती है। इसको समझते कैसे, इस डायग्राम से, जो काफी फेमस डायग्राम है हमारे पास, इसके अंदर ये है मेरी जेड पॉजिटिव एक्सिस, ये है मेरी एक्स और ये है मेरी वाई। ध्यान रखिएगा अब हमारा मेन कंसेप्ट चालू हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके पास कई वीडियोस में ही बताए गए हैं, साथ ही साथ बुक में ये जो भी आप हनन बेकर यूज कर रहे हैं वहां पे शायद ही बताए गए होंगे। बात आती है कि ये मेरा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो बेसिकली मेरा व्यू प्लेन का सिस्टम है, जो भी सपोज कर लीजिए कैमरा यहाँ लगा है तो उस प्लेन का सिस्टम है, प्रोजेक्शन प्लेन का है। बात आती है ये तीन सरफेसेस है मेरे पास, S1, S2, S1 और S3 ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब ये कैमरे की स्क्रीन है मान लीजिए, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जेड एक्सिस निगलेक्ट हो जाती है यहाँ पे और कैमरे के अंदर सिर्फ एक्स वाई पॉइंट जाती है क्योंकि 3D से 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये एक पिक्सल पोजीशन है, एक बार बता देता हूं, जैसे ये आपका पास कैमरा है तो कैमरे के अंदर पिक्सल में डिवाइड होता है ऐसे स्मॉल स्मॉल डॉट में, तो किसी एक पिक्सल पे हम यहाँ पे देखेंगे क्या, बेसिकली वो एक्स वाई पॉइंट हमने ले लिया, कोई पिक्सल पोजीशन ले ली जहां पे उसका कोऑर्डिनेट लिया एक्स वाई। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज थी हमारे पास कि हमें क्या करना है, हर एक पिक्सल पोजीशन पे चेक करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस है हमारे पास, जो भी हमारे पास सरफेसेस है उनकी डेप्थ को चेक करेंगे कि वहां पे डेप्थ क्या है। अब बात आती है कि हमारे पास बेसिकली डेप्थ क्या चीज होती है, डेप्थ होती है हमारे पास जेड वैल्यू, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट या वो सरफेस हमारे व्यू प्लेन से कितनी दूरी पर है। ध्यान से सुनिए, जेड का मतलब होता है कि वो सरफेस हमारे व्यू प्लेन से कितनी दूरी पर है। जैसे आप ये कैमरा देख रहे हो और ये
आपने डॉट देखा, सपोज करो कोई सरफेस देखा ये, तो ये और इसके बीच की दूरी क्या होगी, जेड। ठीक है, सिंपल चीज। अब बात आती है यहां पे कि देखो ये एक्स है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई सेम है, बट यहां पे जेड की वैल्यू क्या होगी, तीनों के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है जी, और इस कंसेप्ट को ये आगे बढ़ाता कैसे, इसको समझते पहले। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जेड वैल्यू तो आ गई, बट इसका यूज कैसे करें आगे, तो ये क्या करता है, यहां पे दो हमारे बफर यूज करता है, दो बफर यूज करेगा। एक होगा जेड बफर, जिसे हम डेप्थ बफर भी कहते हैं, और एक होगा हमारा क्या, रिफ्रेश बफर। डेप्थ बफर या जेड बफर के अंदर क्या जाएगी, हमारे हर सरफेसेस की जो वैल्यू होती है क्या करके जाएगी, या कंपेयर होगी जो भी जेड वैल्यू क्या जाएगी, सरफेस की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो जेड वैल्यू जाएगी मेरे बेसिकली जेड बफर में, और रिफ्रेश बफर में क्या जाएगी, इंटेंसिटी जाएगी। ठीक है, बट ये होती कैसे पहले इसको भी समझ लेते, कई बुकों में नहीं बताई गई है। एक जेड बफर का डिजाइन देखे, अगर सपोज कर लो ये है आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और सपोज कर लेते हैं एक्स वाई जेड, यहां पे 2 1 और इसे ले लेते हैं 2। ठीक है, ये वैल्यूज है। तो जेड बफर के अंदर अगर मुझे इनकी वैल्यू डालनी हो तो ये कैसे जाएगी, ये ऐसे ग्रिड में बना लीजिए पहले इनको, वो जितने भी हमारी पिक्सल पोजिशन हो रही है उसके हिसाब से बनेगा। मैं यहां पर स्मॉल में दिखा रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करेगा x को, ये रिप्रेजेंट करेगा y को, यहां पे तो 2 1 2। ठीक है, कि ये हो गया 2 पोजीशन, y की वैल्यू 1, ये z इसके अंदर सेकंड पे जाना 1 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेसिकली z, इस ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा इस ब्लॉक को। ऐसे अगर फ्रेम की बात करेंगे तो फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली वहां पे क्या होगा, ये एक्स होगा सेम और ये वाई होगा। ठीक है जी, तो यहां पे हम वही 2 और 1, ये 2 और ये 1 बेसिकली। तो यहां पे हमारे पास पोजीशन कौन सी आ जाएगी, ये, तो यहां पे हमारी इंटेंसिटी जो होगी इस पिक्सल पोजीशन पे वो चली जाएगी। ठीक है, सेम बात करते हैं अभी जेड बफर और रिफ्रेश बफर। ठीक, ये जितने भी अगर डायग्राम आप बनाओगे, थोड़ी सी थ्योरी लिख जाओगे तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है, तो आप इसको कर लीजिएगा। बात आती है कि दो बफर यूज किए, जेड वैल्यू डाल दी, रिफ्रेश वैल्यू डाल दी, बट ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जेड वैल्यू आ रही है, हर सरफेस के लिए कुछ अलग मिलेगी, तो इस चीज को कैसे यूज किया जाए भाई, जेड में तो यहां पर तो एक वैल्यू जा रही है, बट डिफरेंट जो आ रही है उसको कैसे यूज किया जाए। तो यहाँ पे जो मेन चीज आती है, इसका एल्गोरिथम जो चलता है, मेन कंसेप्ट सुन लीजिए, जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं हान एंड बेकर या कुछ भी, उनके अंदर भी इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया, सिर्फ पॉइंट बता दिया गया है, या कुछ जो आप यूट्यूब वीडियो देखोगे उसमें ही वो पॉइंट बताया होगा। बात आती है कि यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिथम होता है बेसिकली डिपेंड करता है कि हम, ध्यान से सुनिएगा, हम बैठे कहाँ पे हैं और देख किस तरफ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बैठे कहाँ पे और देख किस तरफ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं, या एग्जाम्पल नहीं, पूरा एल्गोरिथम ही करेंगे हम, तो उसको रब कर देते हैं हम, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एल्गोरिथम में यूज होती है। सपोज कर लो मुझे इसकी अब जेड नेगेटिव जेड एक्सिस बनानी है, ये मेरी जेड नेगेटिव एक्सिस बनेगी। ठीक है, मान के चलो आप, ये पूरा नेगेटिव जेड एक्सिस है मेरा, जेड नेगेटिव है। ठीक है, अब बात आती है, मैंने क्या कहा कि ये जो जेड वैल्यू है हमारे सरफेसेस की, ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करेगी, जो बफर के अंदर जानी है हमारे, दो चीजों पे बेसिकली। यहाँ पे दो केसेस आते हैं कि हम बैठे कहाँ हैं और देख कहाँ हैं, उसकी वजह से मेरे जो सरफेसेस की वैल्यू है वो क्या जाएगी इस बफर के अंदर, काफी मायने रखती है। ठीक है, वो कैसे, देखो यहां पे मैं दो केसेस लिख देता हूं, बेसिकली वीडियो को पॉज करके पहले चलो डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहां पे पहला केस आता है हमारे पास,
और ये है दूसरा केस। इसमें चलेंगे कैसे उसको समझना ध्यान से। इसमें आता है कि सीटिंग है हमारी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में और हम लुक कहां कर रहे हैं, लुकिंग ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की तरफ देख रहे हैं, या मैं कह सकता हूं नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या कहा, बैठा कहां हूं मैं, यहां पे, मतलब मेरी आईज कहां पे है भाई, आप उसको मान लीजिए आपकी आईज इस तरीके से यहां पे है, ठीक है, आप यहां पे बैठे और देख यहां पे रहे तो आप ओरिजिन की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहे हो, पहला केस, ठीक है जी, पॉजिटिव जेड पे बैठे हो, आपकी आईज वहां पे और आप देख किस तरफ पे हो, ओरिजिन की तरफ, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। दूसरा केस क्या है कि भाई आप नेगेटिव जेड एक्सिस पे बैठे हो, क्या है, सिटिंग इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन एंड लुकिंग ओरिजिन, या इसमें हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है जी। अब वही उल्टा कर देंगे इसके अंदर फंडे को, वो क्या होगा यहां पे कि आप यहां पे बैठ, आईज आपके आप ऐसे कहीं पे देख रहे हो और क्या होगा, ये ओरिजिन है हमारा तो यू देख रहे हो, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इन केसेस में मेरे पास एल्गोरिथम में क्या चेंज आएगा, ये कैसे चलना उसको समझते हैं। तो इस केस में सबसे क्या होगा, सपोज कर लेते हैं, सपोज, ठीक है, किसी भी केस में कि इसके अंदर जेड की वैल्यू ले लेते हैं माइनस फोर, इस केस में माइनस सिक्स, इस केस में माइनस एट, ठीक है, जेड की वैल्यू, एक्स की और वाई की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, इस चीज को समझना, पहले जो समझने वाली चीज है कि हमारी जो भी लार्जर जेड होगी, ठीक है, इसके अंदर लार्जर जेड वैल्यू, वो सरफेस मेरा क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर लार्जर जेड वैल्यू होगी तो वो सरफेस मेरा क्या होगा, क्लोजर होगा। कैसे भाई, इस केस में देखते हैं, अगर यहां से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, माइनस फोर की होगी, माइनस सिक्स की, माइनस एट की होगी, माइनस फोर की होगी, इस तरफ से देख रहा हूं तो जेड ये वाला सरफेस एस वन मुझे पहले दिखेगा, बिल्कुल सही। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर होगा, स्मॉलर जिसकी जेड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा यहां पे, ठीक है जी। इस केस में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यहां से देख रहा हूं तो पहले मुझे ये सरफेस दिखेगा, मतलब जिसकी हमारे पास क्या होगी, यहां पे स्मॉलर जेड वैल्यू होगी, स्मॉलर जेड वैल्यू होगी, वो हमारे लिए क्या होगा, यहां पे हमारे और ज्यादा क्लोजर होगा, ठीक है, क्लोजर होगा वो। यहां पे देखिए स्मॉल जेड वैल्यू ये है तो पहले ये दिखेगा, ठीक है जी। सेम इसका उल्टा कर देंगे यहां पे, अब जिसकी लार्जर जेड वैल्यू होगी वो क्या होगा, फार्दर हो जाएगा, ठीक है जी। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि कौन सी चीज पास दिखेगी, कौन सी चीज दूर दिखेगी। एक चीज बता देता हूं, पेपर में आप इनमें से एक ही केस डिस्कस करके आना, अगर आपके पास 10 से 12 नंबर में आता है, बट इसको क्लियर कर देना कि आप 99% आप इसी केस को डिस्कस करने की बुकों में यही दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, इसको आप लिख देना कि भाई मैं जेड डायरेक्शन पे बैठा हूं और देख किस तरफ रहा हूं, ओरिजिन की तरफ, मतलब मेरा लुक किस तरफ है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है जी। अब चलते हैं कि एल्गोरिथम में क्या होगा, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, चीजों को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारे पास जो बफर होता है, जिसको हम लिखते हैं डेप्थ बफर को, डी एक्स वाई, ठीक है, फर्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू इसके अंदर बफर के अंदर जो हमने बनाई थी ये, ठीक है, एक्स वाई पोजिशन पे इस डेप्थ के अंदर हम क्या डालेंगे, इसको इक्वल टू जीरो डालेंगे पहले, भाई इसकी वैल्यू अभी कुछ नहीं है, ठीक है। देन इसके अंदर हम लेंगे एक रिफ्रेश बफर जो था, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये जैसे लिखे वैसे ही एक्सप्लेन करके आइएगा, या आप लिख देगा साइड में कि डी एक्स वाई इज अ डेप्थ एट एक्स वाई पिक्सल पोजीशन, ठीक है जी। जीरो यहाँ पे आ गई, आर मतलब रिफ्रेश बफर एक्स वाई पोजिशन पे, पिक्सल पोजिशन पे, जो आई इंटेंसिटी है वो हमने किसके अकॉर्डिंग सेट कर दी, जो बैकग्राउंड हमारा क्या है, कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर है, जो भी हमारा बैकग्राउंड पे होगा उसकी इंटेंसिटी की हमने सेट कर दी। और यहां पे हम क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाता है, यहां पे डी एक्स कॉमा वाई,
इसमें क्या सेट करेंगे, इस एक्स वाई डेप्थ बफर के अंदर हम सेट करेंगे जेड की जो हमारे पास मैक्स वैल्यू होगी, जिसका मतलब होता है इंफिनिटी हम डाल सकते हैं, ठीक है। इंफिनिटी डालेंगे तो हम अब इसके अंदर मेरा एक्स वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, आई हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड जो भी इंटेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब आता है इसके अंदर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर जेड की वैल्यू जो हमने हमारे पास न्यू सरफेस आया, इससे भी पहले इसकी हमने वैल्यू क्या करी थी, सपोज कर लो यहां पर माइनस चार डाल दिया। अब चेक करेंगे पीछे वाले सरफेस से, ठीक है, कि उसकी डेप्थ क्या है, या इस पिक्सल पोजीशन पर जो भी सरफेस सॉरी आ रहे हैं उसकी डेप्थ क्या है। तो जेड न्यू जो कहीं किसी सरफेस की नई जेड वैल्यू आई वो ग्रेटर होती है मेरे डी एक्स वाई, जो क्या है मैंने अपने डेप्थ बफर में डाली हुई है, इससे ज्यादा आती है। देन मैं क्या करूंगा कि मेरी जो वैल्यू हो जाएगी अब डी एक्स वाई की, वो क्या हो जाएगी जेड न्यू वैल्यू, मतलब मैं अपनी वैल्यू को चेंज कर दूंगा यहां पे भाई, अपडेट कर दूंगा, ठीक है जी। और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इस केस में जो भी हमारे पास आएगी, सॉरी एक मिनट देख लेता हूं एग्जैक्टली क्या है इंटेंसिटी। अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, जो भी हमारी इंटेंसिटी आई होगी न्यू कह लीजिए या जेड न्यू पे जो वैल्यू आएगी वो इंटेंसिटी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इस केस में उल्टा हो जाएगा यहां पे कि इसके अंदर क्या होगा कि अगर जेड न्यू है, ठीक है, वो लेस देन डी एक्स कोमा वाई है, जो भी हमारी पिक्सल पोजीशन पे डेप्थ की वैल्यू है वो बड़ी आ जाती है अगर हमने कोई नई वैल्यू निकाली है उससे, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे डेप्थ की वैल्यू को हम क्या करेंगे अब अपडेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस केस में ऐसे अपडेट होगी और रिफ्रेश बफर के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, जो भी हमारी न्यू वैल्यू आई है, नहीं आई होगी अगर ये चीज लेस देन रहती है तो क्या होगा ये बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग ही सेट होगा या जो भी इंटेंसिटी आई होगी पहले उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये था मेरा बेसिकली डेप्थ बफर के अंदर कि केस वन जेड एक्सिस पे बैठा हूं नेगेटिव को देख रहा हूं, नेगेटिव पे बैठा हूं जेड को देख रहा हूं, दो केसेस के अंदर देखो डिफरेंस आ गया। हो सकता है बुकों में ये बताया हो किसी बुक में ये बताया हो, आपको कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आगे चलते अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कंसेप्ट भी कई बार 12 15 20 नंबर में आता है। इसके आगे क्या, इसके आगे अब आता है एल्गोरिथम खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, हमारे पास अब चीज आती है कि हम अपनी जो जेड वैल्यू है उसको कैसे यूज करें, मतलब कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। तो यहां पे क्या फंडा आता है हमारे पास, इसको देखें, हमारे पास सरफेस की इक्वेशन होती है, ठीक है जी, जो हमने पहले भी पिछले केस में डिस्कस करी थी आई थिंक, वो होती है ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस में डी इसको इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए बी सी डी कोफिशियंट हो गए उस सरफेस के, एक्स वाई जेड क्या हो गए कोऑर्डिनेट हो गए। अब बात आती है जेड, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे जेड क्या आएगा आपके पास, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस ए एक्स, ठीक है जी, ये इधर चला जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी जेड माइनस में सॉरी सी तो हमें इधर लेना है माइनस में बी वाई माइनस में डी, ये सी जेड इधर आ जाएगा तो सी नीचे चला जाएगा सी, इतनी इक्वेशन आई, ठीक है। अब इसका एक बार डायग्राम देख लो ताकि ये और क्लियर हो जाए। डायग्राम आता है कि ये मेरी सपोज करो स्क्रीन है कुछ भी है, यहां पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है या कोई पॉलीगन है, ठीक है जी। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, ले रहे हैं इसके अंदर स्कैन लाइंस, ठीक है जी, ये स्कैन लाइंस गई है ऐसे जाती है, ये y होगा तो नीचे y माइनस में वन। अब सपोज कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है जी, ये अगर आप सॉरी इसके लिए ले लेते हैं, ये पिक्सल यहां पे दो आए, ठीक है, पहले पिक्सल की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए x और दूसरे पिक्सल की इस डायरेक्शन में जा रहा तो x प्लस वन, ठीक है जी। हमें ये देखना है कि क्या इस इक्वेशन में एक बार z कैलकुलेट करने के बाद क्या हम अपने अगली z जो डेप्थ होगी सरफेस की उसको कम कर सकते हैं कैलकुलेशन को, तो कैसे करेंगे
एक जेड तो ये निकाल लिया मैंने, आगे अगर मुझे निकालना हो किसके लिए, फोर एक्स प्लस वन के लिए, ठीक है, स्कैन लाइन वाई ही है बट यहां पे पिक्सल पोजीशन क्या होगी, एक्स प्लस वन, उसके लिए मेरी जेड की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए एक्स प्लस वन, आप इसमें रखो माइनस बी वाई माइनस डी अपॉन में सी, यही होगी। इसको अगर आप करोगे आगे जाके तो क्या आएगा आपके पास, देखो माइनस ए एक्स माइनस माइनस ए माइनस बी वाई माइनस डी डिवाइडेड बाय सी। ध्यान से देखो, अगर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस डी बाय सी अगर कर दूं तो ये क्या होगा मेरे पास, जेड, ठीक है जी। बचा क्या मेरे पास इसके अंदर, माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, मतलब अगर मुझे अगले पिक्सल की डेप्थ निकालनी है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय जहां पे मुझे ए एक्स बी वाई पूरे के छह के सात कोएफिशिएंट की वैल्यू डालूंगा, इससे बेटर पीछे वाले की वैल्यू उठाऊंगा, माइनस ए डिवाइडेड बाय सी ये यूज करूंगा, जहां पे इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, माइनस ए बाय सी तो मेरा क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है उस सरफेस के लिए, ठीक है जी। मेरी कैलकुलेशन यहां पे क्या हुई, कम हो गई, तो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे पास ये आया। इस चीज को जरूर लिख के आइएगा, जो भी आप बुक फॉलो करें सब जगह ये चीज है, कई बच्चे यहां तक छोड़ देते हैं एक्सप्लेन करके कि जेड बफर इतना है, बट कैलकुलेशन ही तो हमें कम करनी है, कि इसमें यहां पे हमने कोहेरेंस प्रॉपर्टी यूज कर ली कि एक सरफेस पे अगर जेड ये है तो वो स्लाइटली ही चेंज होता है, आपने देखा होगा डेप्थ बफर सॉरी डेप्थ कोहेरेंस प्रॉपर्टी यहां पे आ गई, ठीक है जी। तो ये देखिए, तो ये था आपका टॉपिक जेड बफर एल्गोरिथम या डेप्थ बफर एल्गोरिथम, जिसके अंदर हमने क्या देखा, दो बफर होते हैं डेप्थ बफर और रिफ्रेश बफर। जल्दी से बता देता हूँ, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे डिफरेंट सरफेसेस को हम आपस में कंपेयर करते हैं डेप्थ वैल्यू के बेस पे, हर एक पिक्सल पोजिशन पे। ये दो लाइन जरूर लिख के आइएगा कि ये एक इमेज स्पेस मेथड है, यहाँ पे हम हर सरफेस को कंपेयर करते हैं उनके डेप्थ के हिसाब से और ईच पिक्सल पोजीशन पे, ठीक है जी। तो जो इसके बाद आपके पास दो केसेस है कि जेड पे बैठे नेगेटिव पे क्या आएगा, नेगेटिव पे बैठे जेड पे क्या आएगा, देन ये सरफेस इक्वेशन। बात आती है इसके ड्रॉबैक की, ये जरूर देख लीजिए, कि मैं भी कई बार करवाते करवाते पॉइंट्स बताना भूल जाता हूं, ड्रॉबैक क्या है इसका। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं, ओनली बी यूज्ड फॉर, ये जरूर लिख के आना, और ओपेक सरफेसेस के लिए ही इस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर ओपेक का मतलब क्या, वो जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, तो ऐसे सरफेसेस के लिए, ऐसे सरफेसेस के लिए ही यूज कर सकते हैं उसको, और किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। मेरे पास केस आ जाए, ये स्केल है, ये आपको दिख रहा है, अगर इमेज ऐसे बनानी है तो आपको बैकग्राउंड में इसकी इमेज आ रही है, इसका कलर आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी आ रही है, इस पिक्सल पोजीशन पे, भाई उसको कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम आया था ए बफर एल्गोरिथम, ठीक है जी, जिसको हम एक्यूमुलेशन बफर एल्गोरिथम भी कहते हैं, जिसे हम एंटी अलाइज बफर एल्गोरिथम भी कहते हैं या एरिया एवरेज भी कहते हैं, उसको जल्दी से करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, जल्दी से कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा, सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।